देखिए इनको, इन्हीं सारे लोगों के लिए एक्सीडेंट्स होता है गाइस। ना 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 हेल्प प्लीज, ना 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 हेल्प प्लीज। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ डोमिनिक राइडर। सो दिस इज 3rd अप्रैल संडे एंड टाइम इज अराउंड 5:34 इन द मॉर्निंग एंड अभी हम निकल रहे हैं फॉर आवर संडे राइड। सो द प्लान फॉर टुडे इज दैट वी आर गोइंग टू कोलाघाट एंड गाइस दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम गोइंग ऑन अ हाईवे इन अ टू व्हीलर एंड दैट टू इन माई ओन डोमिनो 400। सो या गाइस आई वोंट लाई, मुझे डर लग रहा है बिकॉज आई हैव जीरो एक्सपीरियंस ऑफ हाईवे व्हाटसोएवर स्पेशली ऑन अ टू व्हीलर। सो या देखते हैं दिस वीडियो आई एम प्लानिंग टू मेक अ रॉ वीडियो लाइक अ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस काइंड ऑफ वीडियो सो दैट आप लोगों में से जो भी न्यूबीज है लाइक मी दे कैन रिलेट टू दिस वीडियो। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो एंड करेंटली आई एम वेटिंग फॉर माई ब्रदर, वो एज अ पिलियन जाएगा ठीक है तो फॉर सम मेंटल सपोर्ट ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा राइड एंग्जाइटी हो रहा था मुझे, तो मैं उसको बोल रहा था तो ही हैज़ एक्सपीरियंस ऑन द हाईवे। सो वो बोला कि ठीक है ही विल गो एज अ पिलियन। सो आई एम करेंटली वेटिंग फॉर हिम एंड वो आने के बाद वी विल गो टू द मीटिंग पॉइंट वेयर आई विल बी मीटिंग विद सम ऑफ माय अदर फ्रेंड्स जो आएंगे अलोंग विद अस इन द राइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अभी हम लोग निकल गए हैं फॉर द मीटिंग पॉइंट, माई ब्रदर इज सिटिंग बिहाइंड मी। तो आई हैव हैड अ कॉल विथ माई फ्रेंड्स, तो वो लोग भी निकल चुके हैं बट आई विल बी द फर्स्ट टू रीच द मीटिंग पॉइंट बिकॉज द मीटिंग पॉइंट इज़ एक्चुअली क्लोजर टू माई हाउस। तो चलिए गाइज वहाँ पर पहुँच के उन लोगों के लिए वेट करते हैं। तो गाइज अभी मेरे फ्रेंड्स आ गए हैं, दैट्स शांतन ऑन हिज MT50, दैट्स शॉन ऑन हिज हस्बाना स्पॉट पिलन, he also has a YouTube channel, his channel's name is encoded rider, so do follow him too guys। so guys I will not lie, mujhe thoda to anxiety ho raha hai, thoda anxiety mujhe ho raha hai, this is the first time that I'm going on a highway। so yeah dekhte hain kaisa rehta hai। so the agenda is ki pehle mere dost Shantan ko fuel up karna hai, आई डोंट नीड फ्यूल बिकॉज मैंने कल ही फ्यूल अप किया था तो आई एम गुड इन दैट पार्ट, बट या ही नीड्स टू फ्यूल अप। क्या चुम्मेश्वर वेदर है गाइस, परफेक्ट वेदर टू राइड गाइस। तो गाइस वी आर डन विद द फ्यूल अप एंड अभी हम निकल गए हैं एंड गाइस आई हैव टू से this feeling of a Sunday ride, it's just amazing, the feeling of the air hitting your body is just unparalleled mixed with my fear of a first time highway। and guys ye bridge dekhne ke time to aisa hi feeling aata hai ki you are leaving Kolkata, so this feeling is something else and this is actually my first time in a two wheeler, so I'm all the more excited। And my first toll tax. अभी तक मैं सारे यूट्यूबर्स को देखता था ऐसे जो भी मोटर व्लॉग करते हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम, यू डोंट नो हाउ आई एम फीलिंग गाइस, दिस इज द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही रहता है गाइस, एवरीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इज समथिंग डिफरेंट। सो गाइज अभी वी हैव टेकन द सर्विस लेन बिकॉज काफ़ी ज़्यादा जैम है जैसे कि आप देख सकते हो राइट साइड में। सो गाइज जस्ट अभी वी क्रॉस छात्रागाछी स्टेशन, सम पुलिस अंकल स्टॉप्ड अस बट उन्होंने कुछ पूछा भी नहीं, कुछ देखा भी नहीं, उन्होंने बस बोला कि अच्छे से जाना, इट फेल्ट नाइस बट पहले तो थोड़ा घबरा गया था कि क्यों रोक रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं बट स्टिल फर्स्ट टाइम जिटर्स। जस्ट देखिए इनको, इन्हीं सारे लोगों के लिए एक्सीडेंट्स होता है गाइस। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। तो
तो गाइस अभी सीधे जाके दिल्ली रोड, बट हम दिल्ली रोड नहीं ले रहे हैं गाइस। आज तो सुपर बाइक देखने को ही मिलेगा बहुत सारे। दैट वाज अ हायाबुसा, हर किसी का ड्रीम बाइक आफ्टर वॉचिंग द मूवी धूम। गाइस फाइनली वी हैव एंटर द हाईवे। क्या फीलिंग है। बट गाइज आई प्रोमिस माई सेल्फ कि आज मैं ज़्यादा हाई स्पीड नहीं चलाऊँगा बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, सो थोड़ा सा तो मैं कंट्रोल करके ही चलाऊँगा। अच्छा खासा माइलेज देगा यार मुझे, इतने हायर गियर में मैं मॉडरेट स्पीड में चला रहा हूँ। गाइज अभी वी हैव कवर्ड मेजॉरिटी ऑफ द रोड। अभी अराउंड 20 या 26 किलोमीटर्स ही बचे हैं फॉर कोलाघाट। वी आर एक्चुअली गोइंग टू शेर ए पंजाब एंड अभी तक का रास्ता तो काफ़ी स्मूथ रहा। या आई एम नॉट गोइंग अबव 70-80 मैक्स, बट ठीक है यार, मैं फर्स्ट टाइम के लिए मैं बहुत ज़्यादा ही इन्जॉय कर रहा हूँ। एंड आई डू नॉट नीड टू गेट प्रोवोक्ड बाई एनीबडी और जस्ट और कोई और स्पीड में चला रहा है तो मुझे भी स्पीड में चलाना है, ऐसा कोई मेरा मेंटालिटी भी है नहीं। मैं अपने कैपेसिटी एंड अपने मतलब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस जो बोलते हैं उसके अनुसार ही मैं जा रहा हूँ गाइस। तो गाइज अभी हम लोग रुक रहे हैं थोड़ा चाय पीने के लिए। चाय पी लो। तो गाइज डन विद द ब्रेक एंड अभी हम फिर से निकल गए हैं एंड वी डिसाइडेड कि सामने जो एक ब्रिज आता है हम उसमें थोड़ा रुकेंगे टू क्लिक सम पिक्चर्स। We have taken the last U-turn and we have almost reached. First time in a two-wheeler guys, first time. अलग सा फीलिंग है गाइज, ये एकदम अलग सा फीलिंग है। पहुँच गए हैं शेर पंजाब कोलाघाट एंड यहाँ पे देखिए गाइज क्या क्या बाइक है गाइज। वाओ यार, जस्ट लुक एट द लाइन अप। एंड ये कॉन्टिनेंटल जी को क्या मॉडिफाई किया है गाइज। सो गाइज अभी हम इसके जस्ट बाजू में एक्सप्रेस वे धावा में जा रहे हैं क्योंकि शेर पंजाब में बहुत बार खा चुके हैं, इट्स नथिंग न्यू। तो हमने सोचा कि कुछ नया ट्राई करते हैं, तो देखते हैं वो कैसा है। गाइज अभी यहाँ पे हम लोग खाना ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर लिए हैं एंड हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं। तो अभी शायद से मेरा भाई थोड़ी देर के लिए मेरा बाइक चलाएगा, उसको टॉप स्पीड चेक करना है। तो मैं अभी मेरे दोस्त शांतन के बाइक के पीछे बैठूंगा थोड़ी देर के लिए, उसके बाद आई विल बी बैक टू राइडिंग माई बाइक गाइज। हेलो गाइज, सो बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो
I would like to share a word or two with you guys. So guys, I feel that no one in this world is truly fearless. Everyone is afraid of something or the other. For me, it's two things. Number one, it's rats. And number two, I'm afraid of riding at high speeds while sitting as a pillion. Because while I'm sitting as a pillion, I have no control over the bike. So I don't know what is to come. So this fears me a lot. So in the next part of the video, you are going to see an example of point number two that I just told you guys. So guys, without further ado, let's continue with the video. Constant speed guys, अभी मैं अपने फ्रेंड शांतन के पीछे बैठा हूँ एंड आई एम जस्ट बेगिंग हिम टू गो स्लो. मुझे पता है यार, मैं जब ये व्लॉग अपलोड करूँगा आई एम गोइंग टू गेट ट्रॉल्ड. ठीक है ना, आस्ते आस्ते आस्ते, ठीक है आस्ते आस्ते. ओ भाई कोरिस ना 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 टाकाচ্ছি না, আমি ফিল করতে পারছি না নাকি. আর না না ঠিক আছে, আমি তো বলছি তোকে খাওয়াবো. না 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 ভাই প্লিজ, না 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 ভাই প্লিজ, না 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 আমি আমি ভাই করিস না রিসা করিস না ভাই করিস না না প্লিজ 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 না আমার ভয় না ভাই প্লিজ 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 ভাই করিস না ভাই রিকোয়েস্ট করছি ভাই ভাই করিস না হ্যাঁ ঠিক আছে আমার ভয় কাটানোর দরকার নেই. कैसा लगा मेरा मजाक? कोता है चुका था? अरे मोटिवेशन से भैया इज कमिंग फ्रॉम तमिलनाडु इन अ साइकिल. मोटिवेशन फॉर एवरीवन रूड, लाइक साइकिल में इतना दूर आना इज अ बिग थिंग गाइस. Guys, back to my own bike. Feels good. So guys, abhi we have covered around 40 kilometers. And I'm maintaining a constant speed of around 70-80. मतलब मैं basically cruise कर रहा हूँ. मुझे कोई घाई नहीं है, मुझे कोई मेरा कोई time limit नहीं है कि मुझे इतने बजे तक पहुँचना है या कोई target set किया है. I'm just enjoying the ride. And look at the roads, they are like butter, dude. मज़ा आ गया guys, मज़ा आ गया. एंड मेरे साथ दो और जो राइडर्स हैं, मेरे दोस्त, वो सब अभी आगे चले गए हैं. एक्चुअली वन ऑफ माय फ्रेंड इज सिटिंग बिहाइंड मी शांतन एंड उसका बाइक मेरा भाई चला रहा है. लेट मी जस्ट स्टॉप टॉकिंग एंड टेक यू गाइस अलोंग विद मी ताकि आप लोगों को भी फील हो कि यू आर ऑल्सो राइडिंग द बाइक. जस्ट फील इट गाइस. So guys, we have almost reached, like I would say that 95% of the journey is done. अभी हम लोग almost पहुँच गए and it was one hell of a ride. Like everything for the first time is special and I am going to remember this for a long time. Just listen to that guys, just listen, this is Triumph Street Triple, one of my favorite bikes. And we are back. Hooghly Bridge दिख गया, मतलब we are in Kolkata, we are official in Kolkata. यहाँ से जाते समय एक अलग टाइप का एक्साइटमेंट रहता है बट लौटते समय इट्स समथिंग एल्स. उस टाइम का फीलिंग अलग रहता है गाइज. तो गाइज वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड आवर होम एंड जस्ट 5-10 मिनट्स फ्रॉम हियर. सो इट्स टाइम टू क्लोज द वीडियो. And if you have liked this video for whatever the reason might be, so please consider subscribing to my channel and hit the bell icon. So see you in the next video guys. Till then take care and bye bye. Sarakabar, whatever. I want to reach 1 million.